अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा पूरा देखें। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों मैं आपको सुनाने वाला हूँ दोस्तों। एक कंट्री के लिए वहाँ पर जो बैन था वो हटा लिया गया और एक कंट्री और बैन के हटाने की बात चल रही है। और भी कुछ खबरें आ रही दोस्तों, सारा डिटेल मैं आपको दे दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी कुवैत की मिल पाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, जितने भी कुवैत में बैंक है तो दोस्तों कुवैत नेशनल बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया, जितने भी बैंकें वगैरह वहाँ पे कुवैत में जो मौजूद है उनमें 70% अब कुवैतियों को रखा जाएगा और 30% ही सिर्फ प्रवासियों को रखा जाएगा, यानी बाहर के लोगों को रखा जाएगा। दोस्तों ये जो काम है ये शुरू हो चुका है, धीरे धीरे लोगों को वहाँ पे निकाला जाएगा और 70% वहाँ पे अब कुवैती काम करेंगे और 30% वही लोगों को मौका मिलेगा जो वहाँ पे नन कुवैती काम करेंगे, यानी बाहर के चाहे वो इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी भी देश से हो वो लोग काम करेंगे। तो साथ में बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा। ये सिलसिला काफ़ी दिनों से भी चल रहा था दोस्तों और फिर से अब इससे स्पीड बढ़ा दी गई है। अगली खबर साथ ही आ रही पाकिस्तान से दोस्तों, जो पहला जो चौथा जो बैच है दोस्तों वो मेडिकल का, तो उसे लाने की तैयारी की जा रही है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि तीन बैच से अभी पाकिस्तान के लिए दोस्तों तीन बैच पाकिस्तान का मेडिकल टीम का लाया जा चुका है दोस्तों, अब चौथे बैच की लाने की तैयारी की जा रही है क्योंकि दोस्तों मेडिकल की टीम को वहाँ पर काफ़ी वहाँ पर जरूरत पड़ रही, इसीलिए दोस्तों चौथे बैच की टीम को वहाँ से मेडिकल की वहाँ पर पाकिस्तान से कुवैत लाया जाएगा। तो दोस्तों लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, बहुत ही जल्दी लोगों को आना शुरू कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों वहाँ से खबर जो आ रही, साथ ही बताना चाहूँगा आपको, कुवैती नागरिक को वहाँ पे कहना है कि कर्फ्यू कारण दोस्तों वहाँ पे जितना भी खाना पीने की चीज़ें हैं दोस्तों वो खाना काफ़ी महंगा हो गया। इसका रीज़न बस एक ही है कि वहाँ पे कर्फ्यू जो लगा है इसी के कारण वहाँ पे खाना है वो महंगा हुआ है। इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट को वहाँ पे इससे विस्तार की बात करने की ज़रूरत है, ऐसा कुवैती नागरिक का वहाँ पे कहना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर दोस्तों मैं आपको बताने वाला था, किस देश को वहाँ पर आने की वहाँ अनुमति मिली है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, फिलीपींस के दोस्तों डोमेस्टिक वर्कर को दोस्तों वहाँ पे लाने की मंजूरी वहाँ पे अब मिल गई है। अगले हफ्ते से दोस्तों फिलीपींस के वहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर को वहाँ पे लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी अगले हफ्ते से। तो बहुत ही जल्दी लोगों को लाने का वहाँ प्रक्रिया शुरू की जाएगी जितने फिलीपींस के लोग हैं। और दूसरी अच्छी खबर साथ ही वहाँ से ये आ रही कि इथोपिया के लोगों को भी लाने की मंजूरी वहाँ पे दे दी गई है। इस पर कुछ दोस्तों अटकलें चल रही है, गवर्नमेंट से वहाँ पे बातचीत चल रही है, जैसे वो अटकलें ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे जितने भी वहाँ पे इथोपिया के वर्कर वगैरह हैं खादिम वीज़ा वाले को उनको लाया जाएगा। बताया जा रहा है दोस्तों एक वीज़ा की जो कीमत होगी वो 80 से 90 कुवैती दिनार वहाँ पर बताया जा रहा है। तो उनमें से खाना पीना, PCR सर्टिफिकेट और भी जो भी चीज़, होटल क्वारंटाइन वगैरह सारा कुछ उसमें इंक्लूड होगा। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी इथोपिया को भी लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली खबर साथ और दोस्तों आ रही दोस्तों बताना चाहूंगा, कुवैत के बहुत सारे एरिया में दोस्तों जो कि दोस्तों जमैया एम्प्लॉय होता है जो सुपरमार्केट में, उन लोगों को वैक्सीन जो है दी जा चुकी है और लोगों को धीरे धीरे वहां पे वैक्सीन भी दी जा रही है। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।